दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल अलजजा में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों जो मैं आज की वीडियो लेके आया हूं, इसमें मैं आपको एक बैड न्यूज बताने वाला हूं इंडिया पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश के जानिब से। तो वीडियो को जरूर दोस्तों एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर फिर कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं अपने मुस्लिम व्यूवर से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज दोस्तों नमाज पढ़ना शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और दोस्तों, कि अगर आपको दुबई सऊदी या कतर का आजाद वीजा, जॉब वीजा या विजिट वीजा चाहिए, या फिर अपना ऑफर लेटर चेक कराना है, या इमिग्रेशन कराना है, मेडिकल में हेल्प चाहिए, तो जो मेरा दिया हुआ नंबर है इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी बारी आने पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको कतर की जानिब से एक बैड न्यूज दूंगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि सरहद की क्या बुरी खबर है इंडिया पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश वालों के लिए। तो वो आप जान सकते हैं कि जो इन मुल्कों के लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश फिलीपींस के लोग हैं, इनको आपको पता होगा कि कतर ऑन अराइवल वीजा पे जाने के लिए लाजिम होटल चाहिए रहता था। डिस्कवर कतर की वेबसाइट से इनको लाजिम जो था होटल बुक कराना होता था। लेकिन दोस्तों अभी बैड न्यूज ये आ रही है कि डिस्कवर कतर ने अपने सारे होटलों की बुकिंग रोक दी है 15 सितंबर के बाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे इनकी वेबसाइट पे, कतर डिस्कवर कतर वीजा ऑन अराइवल की वेबसाइट पे, तो सारे होटलों की बुकिंग को 16 सितंबर से लेके 23 दिसंबर तक टोटली बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो लोग जिनको जा रहे थे ऑन अराइवल वीजा पे कतर या इंडिया पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश के, तो उनको पहले तो था कि होटल आपको डिस्कवर कतर से लेना था, लेकिन अभी वो भी खत्म कर दिया गया। यानी कि एक तरह से दोस्तों ये समझ लीजिए कि कतर का ऑन अराइवल वीजा टोटली बंद हो चुका है। अभी ऑन अराइवल वीजा पे कतर कोई नहीं जा सकता है, विजिट पे कोई नहीं जा सकता है। हाँ, जो मैच देखने वाले हैं उनका कोई हो सकता है नया रूल आए, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, वो अक्टूबर या नवंबर में आएगा। तो जब तक के लिए अभी हम लोग यही समझ रहे हैं कि एक ऑन अराइवल वीजा को टोटली इंडिया पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों यही आज आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी, समझ में आई होगी। पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।